Bismillahirrahmanirrahim. I am Fawad Rauf. Today we will start a new chapter, that is real number, chapter number 2. In this chapter we will going to learn about the difference between rational number and an irrational number, different properties of a radical, exponents, laws of exponents, and we will going to understand how you going to insert a rational number between two number and three rational numbers in between a number, and how to find out square, square root, cube and cube root. आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की कोशिश करते हैं, रियल नंबर. रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स. रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स दैट इंक्लूड्स होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स. रियल नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस काइंड ऑफ डिफरेंट नंबर्स. आइए हम जरा डायग्राम की मदद से पहले समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर नंबर है होल नंबर, जो है 0, 1, 2, 3. जैसा कि आप जानते हैं कि होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से 0, 1, 2, 3, 4. और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जी, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3 और सो ऑन. तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं होल नंबर से जीरो के अलावा होल नंबर में जीरो है और ये तमाम नंबर है, और अगर होल नंबर निकाल दूं इस वैन डायग्राम से, होल नंबर को निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बच रहा है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3. तो सबसे पहले क्या बात हमने पढ़ी कि नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर हैविंग अ स्पेशल केस विच हैविंग जीरो इन फर्स्ट एंड रिमेनिंग रेस्ट ऑफ नंबर आर गोइंग टू बी सेम. इसके बाद बारी आती है हमारे पास इंटीजर्स की. इंटीजर्स क्या है? देखिए, इंटीजर्स दो किस्म के होते हैं. एक कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर और एक कहलाता है नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर इज नोन एज अ पॉजिटिव इंटीजर्स. सो -1, -2, -3, -4 और सो ऑन, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन द लास्ट नेचुरल इंटीजर्स के बारे में, यानी इंटीजर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. तो फिर यहां पे हमने इंटीजर लिखा, और नेगेटिव का इंटीजर इसलिए कि वो नेचुरल के अंदर, नंबर के अंदर पॉजिटिव इंटीजर जा सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो कुछ भी नंबर हो तो पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं. लेकिन इंटीजर के वो हिस्सा जो नेचुरल के अंदर नहीं जा सकता, दैट इज नोन एज नेगेटिव इंटीजर, और दैट इंक्लूड्स -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. अब नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर के बाद इन द लास्ट जो नंबर बच जाता है हमारे पास, इन द लास्ट वो है इन द लास्ट रैशनल नंबर. इन द लास्ट रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर की दो समझने के लिए दो बातें याद रखें.
रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर को कहा जाता है, किसी भी नंबर को जो फ्रैक्शन में लिख सके, यानी अ नंबर विच कैन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ। रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले समझ लीजिए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जिनको आप अ नंबर विच कैन रिटर्न अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ, किस तरह लिखा जाए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर्स। अ नंबर विच कैन बी रिटर्न फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर नोन एज रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के अंदर क्या आ जाता है मेरे पास, मिसाल के तौर पर 1/4 रैशनल नंबर है। अब देखिए फ्रैक्शन है, अब इसी तरीके से 3/8 रैशनल नंबर है। अब इसी तरीके से अगर आप चाहें √9 रैशनल नंबर है, √9 रैशनल नंबर है। वो कैसे, अगर मैं इस रूट को यहां लिखता हूं, लेट टेक एन एग्जांपल, ये तो मैंने रैशनल नंबर क्यों कहा, अगर मैं इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट लेता हूं तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, 3। देखिए नेचुरल नंबर है 3 और रैशनल भी बन सकता है। अब फ्रैक्शन लगा दी मैंने, यानी 3/1 क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। 3/1 क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि रियल नंबर के अंदर ये तमाम नंबर आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। तो फिर नंबर्स की एक ऐसी टाइप बच गई, नंबर की अब ऐसी टाइप बच गई है जिसको मैं नहीं लिख सकता फ्रैक्शनल फॉर्म में, वो कहलाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकता, कि अगर मैं इसको सॉल्व फॉर एक्स, यानी इन फ्रैक्शंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर कहीं ना कहीं जाके खत्म जरूर होगा, यानी टर्मिनेट होगा, यानी आंसर रुक जाना, यानी आंसर फ्रैक्शन का आंसर आ जाना। लेट टेक एन एग्जांपल, 1/4 है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो एक आंसर जो वैल्यू आ रही है वो रुक गई है, अपनी एक जगह पर स्टैग्नेंट हो गई है। तो वो आंसर क्या था, 1/4 का 0.25, एक आंसर आ गया, एक वैल्यू आ गई है, आंसर खत्म हो गया, यानी 3 डिजिट पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद आंसर खत्म हो गया। सो दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर की दूसरी बात क्या याद रखनी है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं। 2/3, अब 2/3 है, इस 2/3 को मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.66666। ये कंटिन्यू है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर जिसका जवाब खत्म नहीं हो रहा डेसिमल के बाद, चलता जा रहा है, एक जैसा ही नंबर बार बार आता जा रहा है, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स, और इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
फर्क क्या था? 1/4। फर्क यह है 1/4 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.25, खत्म हो गया। फ्रैक्शन में लिख सकता था तो रैशनल तो है, लेकिन रैशनल में कौन सी टाइप है? टर्मिनेटिव। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ली 2/3। इस 2/3 को मैंने डिवाइड किया, 2/3 को डिवाइड किया, आंसर आ रहा 0.666666। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। हम बात कर रहे थे इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी डेसिमल के बाद जिनके जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स डेसिमल के बाद और उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो नंबर इतना लंबा है, पॉइंट के बाद नंबर चलता जा रहा है। और नॉन रिकरिंग नंबर्स आर दोस नंबर, जैसे पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 4, 6, 7, 8, यानी हर नंबर डिफरेंट आ रहा है। यहां क्या था? 0.6666। तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिकरिंग के साथ। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको डेसिमल में, अ नंबर हूज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल है √2, π, √3, ये वो नंबर हैं, और e, ये वो नंबर हैं जिनके अंदर अगर आप इनको रूट ले ले, रूट जैसे यहाँ रूट लिया, सॉल्व होकर होल नंबर आया, नेचुरल नंबर आया या होल नंबर आया, तो आप फ्रैक्शन लगा के लिख सकते थे। लेकिन अगर आप √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप इसको डेसिमल मेथड से भी सॉल्व करने जाएं तो 1.4142 और उसके बाद हो सकता है 1, 3, 5, 4, 1 समथिंग, आगे चलता जा रहा है, डैड चलता जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो मैं इसका रूट नहीं ले सकता मुकम्मल तौर पर, जैसे यहाँ पे ये था कि दिस 9 की जगह मैंने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया और आंसर आ गया। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई होल नंबर नहीं है कि इसकी जगह मैं इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकूं ताकि ये कट जाए और यहाँ पे मेरे पास कुछ आंसर आ जाए। तो दोस नंबर जो इस तरीके से होते हैं उनको कहा जाता है इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो इरेशनल नंबर्स के अंदर मिसाल के तौर पर √17 ले लीजिए और √16। अब सवाल ये है इन दोनों में से कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है? आपको बड़े वाजिया तरीके से खुद ब खुद इसको सॉल्व करें तो आपको समझ में आना शुरू होगा। पहले हम देखते हैं 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, कट गया, आंसर क्या आया 4। 4 को 1 नीचे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म लिख सकते हैं। तो √16 फिर क्या हुआ? रैशनल नंबर। √16 क्या हुआ? रैशनल नंबर। लेकिन 17 इसी तरीके से जैसे √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा, तो इसी तरह 17 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 2 का करें 4 आ रहा है, 3 का 9 आता है, 3 को मल्टीप्लाई 3 से कराएं 9 आया, 4 को मल्टीप्लाई 4 से करवाया 16 आया, 5 को मल्टीप्लाई 5 से करवाया तो 25 आ रहा है। तो यहाँ पे 17 तो नहीं आ रहा, 16 आ रहा है या नेक्स्ट नंबर 25 आ रहा है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है ये। इरेशनल नंबर ये क्या है? इरेशनल नंबर है। और ये क्या है? रैशनल नंबर। अब हम पढ़ रहे थे रियल नंबर। तो रियल नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस नंबर इज नोन एज अ रियल नंबर। एक और चीज रियल नंबर के अंदर आती है, वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट अब
तो इसका मतलब हुआ रमेश तमाम जो वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ द रियल नंबर्स। तो देखिए तो रियल नंबर को फिर मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो रियल नंबर को मैं डिफाइन कर सकता हूं, रियल नंबर को कैसे, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर क्या हो सकती है, रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ द रियल नंबर द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। उसको क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रियल नंबर को, जरा ये समझिए, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से। तो आप यहां लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहां लिख लेते हैं रैशनल नंबर इक्वल टू क्यू, और इरैशनल क्यू डैश। तो इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर देना, इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर देना क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, एंड हाउ यू गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, यू गोइंग टू रिप्रेजेंट इट आर इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू डैश, वेयर क्यू इज अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज अ क्यू डैश। अब हमें जो एक छोटी सी नेक्स्ट स्टेप और फर्दर पढ़ते हैं कि जो आपको ये क्या रिलेट क्या करेगा, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें स्क्वायर ऑफ अ नंबर पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ नंबर का मतलब होता है किसी भी नंबर को इटसेल्फ वापस उसी से मल्टीप्लाई करवा देना, दैट इज नोन एज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर से क्या मुराद है कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना और ऐसा प्राइम फैक्टर बनाना कि उसको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराने से वापस वही नंबर आए, दैट इज नोन अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स यानी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान किस तरीके से एक रैशनल नंबर या एक से ज्यादा रैशनल नंबर को इंसर्ट किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे क्यूब क्या होता है, यू हैव लर्न इन अ प्रीवियस लेक्चर एज वेल कि क्यूब मींस मल्टीप्लाइंग ऑफ अ नंबर टू इटसेल्फ टू टाइम्स, यानी टू है, टू को मल्टीप्लाई टू, यानी एक टू था उसको दो और टू से मल्टीप्लाई कराना है, क्यूब ऑफ अ नंबर, दैट इज नोन एज अ क्यूब ऑफ अ नंबर और क्यूब रूट इज द, वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द मेथड हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वी विल फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन दिस चैप्टर एंड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कॉम्प्लेक्स बिग क्वेश्चन, यानी नंबर जो बहुत बड़े हो, कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हो, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा हो, आप उसको फौरन से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको रियल नंबर्स के बारे में समझाया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इरैशनल नंबर्स के, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई कि रैशनल नंबर होता क्या और इरैशनल नंबर्स क्या होते कि इरैशनल नंबर बताया। अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हुए बताते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हमने पढ़ लिया था कि नॉन टर्मिनेट वो जिसका आंसर आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है जिसका आंसर
नहीं आ रहा बल्कि चलता जा रहा है तो लव्स आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर एक एग्जांपल दो देख लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि किसी के अंदर रिकरिंग और रिकरिंग और रिकरिंग क्या है। देखिए ये नंबर चलता जा रहा है यानी 666666666 आपके पास आ रहा है तो 66 आपके पास आ रहा है तो ये नंबर जो है अलग अलग नहीं आ रहा बल्कि एक ही नंबर बार 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 आ रहा है। तो इस नंबर को हम एक और नाम भी दे सकते हैं रिकरिंग। क्या कह सकते हैं? रिकरिंग नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर के बाद दोबारा नंबर आता जाए तो रिकरिंग रिकरिंग नंबर्स। हम क्या कह सकते हैं? रिकरिंग नंबर्स। और जैसे रूट टू निकाला इसके आंसर क्या था 1.41243412456 या 3 में कुछ भी आगे आ रहा है तो इस ऐसे नंबर को कहा जाता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग नंबर्स आर दोस नंबर्स जो पॉइंट के बाद जो इनका डेसिमल के बाद जितने नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं, रिपीट नहीं होते, सीक्वेंस नहीं आ रहा होता उनके अंदर, यानी रिपीटेशन हो रही होती है तो उस नंबर्स को क्या कहा जाता है? उन नंबर्स को कहा जाता है नॉन रिकरिंग। और जो एक जैसे नंबर रिपीट करते जाए उन नंबर को कहा जाता है रिकरिंग। तो हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग और किस तरीके से आप रैशनल और इरैशनल नंबर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी और जो मुख्तलिफ टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे उसके बारे में इंट्रो पढ़ा। इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज ये बिल्कुल जो आपको समझा दिया है यहाँ पर रिकरिंग नॉन रिकरिंग, इसी से रिलेटेड आपके वर्कशीट के क्वेश्चन भी हैं। दो क्वेश्चन वर्कशीट में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और बुक की एक्सरसाइज 2A का भी क्वेश्चन नंबर 1 इसी से डील करता है कि वह नंबर लिखे हुए बताना आपका रैशनल है या इरैशनल है। जैसे रूट 16 लिखा है और रूट 17 भी कहीं हो सकता है उसमें लिखा हो तो आपने बताना रैशनल और इरैशनल है। और फिर एक्सरसाइज के अंदर जो आपको वर्कशीट है उसके अंदर भी क्वेश्चन है कि आपने बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर एक उसकी सेकेंड एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर बताना है रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग एक्सरसाइज बताना नंबर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।